नमस्कार मेरे प्रिय साधक एवं साधिकाओं, आप सभी लोग हमारे शिवा शक्ति तंत्र रहस्य परिवार से जुड़े हुए हैं काफ़ी लंबे समय से, और हमने काफ़ी साधनाएं आपके समक्ष रखी है, जिनमें से आप में से बहुत से साधक और साधिकाओं ने इसका लाभ उठाया है। तो आज मैं आप लोगों के सामने एक और प्रयोग और बिल्कुल सटीक मंत्र देने वाला हूं, जो कि आप इसे प्रयोग कर सकते हैं। और यह जो मंत्र है, यह सुलेमानी मंत्र के नाम से विख्यात है, जाना जाता है। और यह जो मंत्र है, कुछ गिने चुने औझातांत्रिक बाबाओं मौलवियों के पास पाया जाता है, और इसके विषय में मुस्लिम जो धार्मिक मान्यता है मौलवियों और मुल्लाओं के पास, कि यह सिफली इल्म को काटने में माहिर है, यानी गंदे इल्म को काटने में माहिर है, और ये सुलेमानी मंत्र के नाम से जाना जाता है। इसमें आप किसी प्रकार का तंत्र मंत्र मशानी विद्या अघोर विद्या सात्विक तामसिक कोई भी प्रयोग है, आप उसे नष्ट कर सकते हैं, काट सकते हैं, किसी भी मंत्र के प्रभाव को आप काट सकते हैं। और इस मंत्र के द्वारा आप सामने वाले मंत्र को काट के साथ उसकी विद्या को किलते हैं, और इस मंत्र के माध्यम से आप किसी का झाड़ा भी लगा सकते हैं, कोई रोगी है आप उसका उतारा भी कर सकते हैं। उतारे में जो सामग्री होती है लौंग कपूर नींबू आदि का इसमें प्रयोग किया जाता है। तो आप में से बहुत सारे ऐसे साधक हैं, और इस उतारे में आप कच्चे अंडे का भी प्रयोग करते हैं, मंत्र को पढ़ते हुए अंडे को अभिमंत्रित करेंगे और उस अंडे को रोगी के ऊपर से 7 बार उतारा करेंगे, और इस प्रयोग के माध्यम से आप अंडे का उतारा करके आप तामसिक शक्तियों को नष्ट कर सकते हैं, ग्रंथ कर सकते हैं, कील सकते हैं। तो आप लोगों को मैंने प्रयोग बताया, इसकी विधि बताई कि आप इसे कैसे प्रयोग करेंगे, और इसको एक सिंपल सा प्रयोग है। आप कोई लंबे समय से पीड़ित व्यक्ति है जिसको कोई मसानी विद्या के द्वारा खिलाया पिलाया गया है, तो आप उसे जल में अभिमंत्रित करके भी आप दे सकते हैं, जिससे तत्काल लाभ मिलता है। बस इसकी विधि ये है कि आप एक दिन नहीं, आप जल को अभिमंत्रित करके कई दिन नित्य पिलाने से लाभ मिलता है। आप अगर आपका पेशेंट रोगी दूर रहता है तो आप उसमें जल को अभिमंत्रित करके दे सकते हैं, और इसकी विधि ये है कि 7 नल का जल होना चाहिए या 7 नहर का जल होना चाहिए। उसको आप अभिमंत्रित करके जब देंगे तो उस जल को वो ग्रहण करेगा, नित्य पीता रहेगा। जब जल कम हो जाए तो उसमें दूसरा जल उसी में मिलाता रहेगा, यानी कि अगर उसने 100 ग्राम जल निकाल के पिया तो ऊपर से उसमें 100 ग्राम जल डाल देगा। इससे वह थोड़े लंबे समय तक जल चलेगा और तंत्र के प्रभाव को बहुत ही आसानी से नष्ट करेगा, काटेगा। तो देर न करते हुए मैं आप लोगों के सामने मंत्र रखता हूँ, आप लोग मंत्र को नोट कर लीजिए, और मंत्र बहुत प्रभावी है। आप किसी योग्य गुरु की देख रेख में इस मंत्र को करिएगा, अनाड़ी साधा किसे मत करिएगा, क्योंकि यह मंत्र बहुत ही तीक्ष्ण मंत्र है। इसमें किसी प्रकार की हानि लाभ के जिम्मेदार आप स्वयं रहेंगे, तो आप मंत्र को नोट कर लीजिए। तेली की खोपड़ी चाट चाट के मैदान ऊपर चढ़ा मोहम्मदा सुल्तान, मोहम्मद सुल्तान किसका बेटा, बीबी फातिमा का बेटा, सुअर खाए हलाल करे, पैदे पांव वृद्ध की किल, तंत्र काट मंत्र काट यंत्र काट जादू टोना का इल्म काट, भूत प्रेत जिन पछाड़ मार मार काट काट, ना काटे तो माता का दूध हराम करे। बहुत ही उग्र मंत्र है ये, आप इस मंत्र को सोच समझ के प्रयोग करें, और इसकी जो सिद्धि करने की जो विधि है वो भी आप लोग नोट कर लीजिए। आप किसी भी शुभ समय में, यानी कि आपकी दिवाली है, होली है, सूर्य ग्रहण है या चंद्र ग्रहण है, ऐसे अवसरों पर आप इसको सिद्ध कर लीजिएगा। एक माला पढ़ने के बाद यह मंत्र सिद्ध हो जाता है, और यह जो मंत्र है ये कार्य सिद्धि का मंत्र है।
इसमें आपको कोई भी शक्ति प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देगी। आप इसको जब जाप करेंगे तो आपका जो मंत्र है वो सिद्ध हो जाएगा। इसको आजमाने के लिए आप जब मंत्र सिद्ध हो जाए तो सामने किसी भी पेड़ के व्यक्ति के ऊपर झाड़ा लगा करके आप इसे चेक कर सकते हैं। जल को अभिमंत्रित करके आप इसे चेक कर सकते हैं। सामने वाले रोगी को पिलाएंगे तो उसे आराम मिलेगा। तो आप इस बात को समझ जाइएगा कि आपका मंत्र जो है पूर्णतया सिद्ध हो गया है। तो ऐसे मंत्र आपके पास होने चाहिए जो आपको, आपके पास जो मरीज आते हैं, क्लाइंट आते हैं, आप उनको लाभान्वित कर सके, लाभ पहुंचा सके। और जब सामने वाले व्यक्ति को लाभ मिलेगा आपके मंत्र से, काटन से, झाड़ा से, तो वो आपको भी दक्षिणा दे करके अवश्य जाएगा। इससे आपका भी हित होगा और सामने वाले का भी हित होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, नई साधना के साथ, नए प्रयोग के साथ। तब तक के लिए मंगल कामनाएं। जय शिवा शक्ति। नमस्कार।